सभापति महोदय, मैं ये जो बिल पर पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने अपने मूल्यवान विचार रखे हैं, वो सभी का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि बिल पायलट कर मेरे साथी लाए हैं, मेरी जिम्मेदारी है कि सभी सदन के सम्मानित सदस्यों के मन में जो शंकाएँ हैं, जो सवाल है, उसको निर्मूल करते हुए मैं प्रयास करूं कि बिल सर्वानुमत से पारित हो। मुझे मालूम नहीं है मैं कितना कर पाऊंगा, परंतु मैं प्रयास जरूर करूंगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मनीष तिवारी जी ने कहा कि कठोर कानून की जरूरत क्या है, संवाद कीजिए, वार्ता करिए, कानूनों से टेररिज्म नहीं रुकता है। ये कानून के अंदर तो मैं तो थोड़ा अमेंडमेंट लेकर आया हूँ, दो तीन सुधार लेकर आया हूँ, ये कानून लेकर कौन आया? ये कानून के अंदर टेररिज्म की व्याख्या किसने ऐड करी? ये कानून को कठोर कौन करता गया? आप जब हम यहाँ पर बैठे हैं, आप कहते हो कि कानून कठोर नहीं होने चाहिए, हम तो वहां पर भी बैठे थे तब कहते थे कानून कठोर होने चाहिए और टेररिज्म के खिलाफ, यहां पर बैठे हैं तब भी कहते हैं कि कानून कठोर होने चाहिए टेररिज्म के खिलाफ। ये कानून लेकर महोदय कौन आए? ये कानून 1967 में आया, तब इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और इंदिरा जी प्रधानमंत्री। सबसे पहला अमेंडमेंट कब आया? सबसे पहला अमेंडमेंट 2004 के अंत में आया, जब भी यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। दूसरा अमेंडमेंट कब आया? 2008 में आया। 2008 में किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। तीसरा अमेंडमेंट कब आया? 2013 में आया। 2013 में आया, तब भी किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। अब जब आप सवाल उठाते हो, उस वक्त ये देखते नहीं हो कि भाई कानून कौन लेकर आया, अमेंडमेंट्स कौन लेकर आया, किसने कानून को कठिन किया। अभी प्रेमचंद्रन जी पूरे मुद्दे उठा रहे हैं, ये सारे मुद्दे प्रेमचंद्रन जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को कहना चाहता हूं, उसी वक्त लाए गए थे, चाहे वो फेडरल स्ट्रक्चर का मामला, मैं एक एक कर सब जवाब दूंगा। माननीय गृह मंत्री जी, आप विस्तार से बोलने का कोशिश किया, ये हम मानते हैं, और आपकी कहने से ये पता चलता है, आपकी कहने से ये पता चलता है, ये इसका दूरगामी प्रभाव भी होगा। तो इसीलिए मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, जो जिस कानून में दूरगामी प्रभाव होगा, उसको सिर्फ सदन में नहीं, हमें स्टैंडिंग कमेटी भेजना चाहिए। सर, 13वीं लोकसभा, एक मिनट, 13वीं लोकसभा आप ही के थे, उस समय 102 बिल स्टैंडिंग कमेटी होकर आए थे। हमारे जमाना में यूपीए 1 में 147, यूपीए 2 में 146, आपकी सर कई बार आपकी जमाना आ गया, सिर्फ 47 बिल स्टैंडिंग कमेटी जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप बोलते तो है बहुत कुछ, लेकिन इनको स्क्रूटिनी नहीं करना चाहते हैं। सर, कंदाहार से लेकर पार्लियामेंट में हमला, बॉम्बे की हत्या और पुलवामा, ये सिलसिला जारी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इस विषय पे और घने से हम स्क्रूटनी नहीं करें। सर, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जब पोटा की बात आप कह रहे थे, उस दिन लाल कृष्ण आडवाणी पोटा की मिसयूज के खिलाफ आवाज उठाए थे। सर, मोदी ऑल्सो एक्यूज द सेंटर ऑफ क्रिएटिंग अनदर सुपरस्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, सेइंग द मल्टी एजेंसी सेंटर वॉज डूइंग ए फाइन जॉब टू काउंटर टेरर एंड क्लेमिंग दैट द अटेम्प्ट वॉज टू क्रिएट ए फेडरल पुलिस एंड मिस यूज इट अगेंस्ट द ऑपोजिशन रूल स्टेट। ये हम नहीं, क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये बयान था। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सारे ये जो टेररिस्ट के खिलाफ जो सारे कानून हम लाते हैं, ये यहाँ से नहीं, पार्लियामेंटरी जो स्टैंडिंग कमेटी, जो हाँ हमारे सदन के एक अंग होते हैं, सिलेक्ट कमेटी, ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी, इसमें भेजकर थोड़ो इसको स्क्रूटिनी होना चाहिए, एग्जामिन होना चाहिए, उसके बाद ये सामने लाइए, हम सब इनका समर्थन करेंगे। अगर नहीं तो इस तरीके की आप सिर्फ करते जाएंगे, सिर्फ बुलडोज करते रहेंगे। माने, आप जवाब भी सुनकर जाएं।